हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। तो फ्रेंड्स, मैं कराऊंगा आपके लिए SSR नेवी डबल एस से संबंधित प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो इसमें नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई अवश्य जहाँ तक हो सकता है ज़रूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दे रखा है टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तर प्रदेश नहीं, टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में आ गया है। तो किस नदी पर बना हुआ है ये पूछा फ्रेंड्स, तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी पर, जिसे हम गंगा के नाम से भी कभी कभी गंगा आ जाता, तो ऑप्शन गंगा भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो तेल शोधक कारखाना कहाँ पर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स, स्वेज नहर जो है किस किस को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को और लाल सागर को, मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, नीला ग्रह यहाँ पर नीला ग्रह किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? मंगल को कहा जाता है। चकते वाला ग्रह जिसमें मतलब बड़े बड़े धब्बे वाला ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा है, ग्रीनविच मीन टाइम भारत से मतलब कितना समय कितने समय का फ़र्क है फ्रेंड्स? तो कितना समय का फ़र्क है ग्रीनविच रेखा का जो टाइम है और इंडिया का टाइम है, उसमें कितना टाइम का डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। अब ये बताना है 5-5.5 घंटे आगे है या पीछे है फ्रेंड्स? तो क्या है? 5.5 घंटे आगे है हमारे इंडिया का टाइम। नेक्स्ट देखिए, विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्सकोव किस देश से खरीदा, मतलब किस देश से खरीदा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, रूस से। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? तो लोकसभा में सबसे अधिक अधिक सदस्य कौन से राज्य के हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश के फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, गांधी जी के। नेक्स्ट देखिए, भारत में वोट डालने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, टका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 13 देखा, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है फ्रेंड्स? तो किस में दी जाती है फ्रेंड्स ये बताना है, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखिए, थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स सबसे छोटी टुकड़ी को? ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, प्लाटून। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कौन से अक्षांश से गुजरती है फ्रेंड्स? 0 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अक्षांश पर झुकी हुई है फ्रेंड्स? तो कौन कितने अक्षांश पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रखा है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, वार्षिक गति के कारण। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, उत्तर अटलांटिक मार्ग। नेक्स्ट देखिए, ताशकंद शहर किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, कजाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स कौन थी? ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करना है, इसमें बोल रखा है एक का अर्थ, मतलब अर्थ चेंज कर दिया है, प्लस की जगह क्या कर रहे हैं, माइनस का साइन यूज करना है। देखिए 15, और मल्टीप्लाई की जगह हमें यूज करना है डिवाइड 3, और डिवाइड की जगह हमें यूज करना है फ्रेंड्स प्लस 4, और माइनस की जगह यूज कर रहे थे मल्टीप्लाई 6, प्लस की जगह -7। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या करते हैं, डिवाइड के अंत्य 15, 5 मल्टीप्लाई किया तो 6 को 24 और -7, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा,
24 प्लस 5 होते हैं हमारे पास 29, 29 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 22, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आप हर सर्कल में देखिए कैसे कैसे लिख दे रखा है, 13, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यहाँ देखिए 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, ऐसे 15 पंजे 75, लेकिन 15 दूनी 30 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए ए उत्तर की ओर विमुख होकर सर केवल खड़ा है, तो फ्रेंड्स कौन सा होगा ऑप्शन देखिए। कोई भी मतलब बालक है, कोई भी आदमी है, अगर वो उल्टा मतलब सर केवल खड़ा होता है, सिर केवल खड़ा हो जाए और उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हो, तो उसका दायां हाथ किस साइड में होगा। पहले तो ये देखिए सीधा खड़ा होगा तो किस साइड में होगा, जब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो उसका दायना हाथ जो दायां हाथ होगा पूरब में होगा और बायां हाथ होगा उसका पश्चिम में होगा, क्लियर। लेकिन अगर सर केवल खड़ा है तो उसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब जो बायां हाथ उसका पश्चिम में था वो कहाँ हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा, और जो उसका दायां हाथ पूरब में था वो कहाँ हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा, क्लियर। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इसमें से बेमेल छांटना है, इसमें से कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा अलग है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी बेमेल है इसमें, देख सकते हैं आप खुद भी देख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।